गुड मॉर्निंग भगवान जी, गुड मॉर्निंग लड्डू गोपाल, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। जा रहे हैं जिम, सब सो रहे हैं ऊपर, इसलिए हम करते हैं नीचे शूट। एंड आज के वेदर का तापमान देखते हैं, अभी बेटर है यार, आज बारिश वारिश कुछ नहीं है, बट आज थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है फॉग सा है। लेट्स सी, ड्राइव करते तो पता चलेगा। देखो रोड की हालत, एक बारिश आई नहीं फिर से रोड की वही दुर्गति। आई रोड बनाई थी यार, ये समझ नहीं आता कैसे रोड बनाते हैं। काम चलाव वाली रोड बना बना के छोड़ देते हैं, एकदम खचकते रहे, खचकते खचकते। शोर नहीं मचाओ, सो जाओ, अभी सोने का टाइम है, सोने का टाइम है ना, सो जाओ। हेलो, हो गया मेरा जिम, मेरे चेहरे से पता चल रहा है ना, मैंने आज बहुत हार्ड वर्कआउट और कार्डियो किया, मस्त वाला एकदम। वेदर भी बहुत मस्त हो रहा है, अभी दिखाती हूँ, पूरा कोहरा कोहरा हो रहा है। हेलो मेरी गुड़िया, गुड मॉर्निंग, कितना प्यारा तू, तेरा बहुत प्यारा मेरा बच्चा। हाँ, खाना तो मैं खिला रही थी, एक काद भैया खिलाएंगे, गाड़ी में कुछ नहीं है राजा, कुछ नहीं है गाड़ी में, क्या चाहिए मुझे पता है, तुझे खाना वाना कुछ नहीं चाहिए, तुझे सिर्फ पाड़ी चाहिए। बहुत दिन से तुझे पाड़ी नहीं मिला है ना, इस संडे को पक्का बैठ के तेरे छल में बहुत चाला पाड़ी करूँगी मैं बाबू, वो मेरा बेटा। सो मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों से बिफोर आई प्रोसीड फर्दर फॉर दिस वीडियो। यार आप लोग सब्सक्राइबर्स हो, हम लोग आपको फैमिली मानते हैं, सबको सब कुछ है, बट ये कहाँ तक जायज़ है आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप किसी के घर पे बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी को बताए आप किसी के घर की बेल बजा रहे हैं और भाग जा रहे हैं। एंड वो बंदा जब आपको आके कह रहा है, देखो सबका अपना अपना रूटीन होता है, कोई दिन में सो रहा है, जिसको जैसे टाइम मिल रहा है, हम लोगों को हम लोग वैसे सोते हैं, और ठंड के टाइम में वैसे ही बाहर निकलना करना बहुत मुश्किल होता है। आप एफर्ट्स लेके दूर से आ रहे हो, आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट योर एफर्ट्स एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स इमोशंस फॉर अस, बट यार ये चीज़ तो अच्छी नहीं है ना, किसी की प्राइवेट लाइफ में आप किसी के घर के बाहर आके बेल बजा रहे हैं एंड आपको नहीं बता रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पे कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सीरियसली यार, मैं बहुत, आप लोगों ने देखा है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत सीधे और तरीके से अपनी बातें रखती हूँ, और जो मुझे चीज़ें ख़राब लगती हैं मैं वो बोल भी देती हूँ बहुत बार। आई नो आप लोगों को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, बट सीरियसली मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मतलब लाइक बहुत उल्टा सीधा लिखा, दो तीन जनों ने कमेंट्स में, दो मैंने कमेंट्स आई डोंट नो मैंने डिलीट भी करे हैं नहीं करे हैं, मुझे एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप बताइए कि कोई आपके घर पे आके आपके घर की बेल बजा के चला जाए और नीचे गेट के ऊपर खड़ा हो जाए कि हम मिलने आए हैं। यार ठीक है, मैं समझती हूँ आप रोड पर मिल रहे हैं, हम तब एटीट्यूड दिखा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम आपको कहीं भी इग्नोर कर रहे हैं या आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमने आपको नहीं बोला कि आप प्लीज़ ऑल दी वे इतनी दूर से चल के आए ये और इतनी दूर से आप करके आइए और हम आपको ऐसे इग्नोर करेंगे। यार देखो सबकी, आई नो सबकी प्राइवेट लाइफ होती है, एंड मुझे सीरियसली ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है जब लोग आके हमारे घर की बेल वगैरह बजा दें। पापा मम्मी एजेड हैं, ठंड में बार बार निकल के वो कैसे आएंगे, एंड दो स्कूबी भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है ठंड में कि बेल बज रही है, एटलीस्ट इतनी प्राइवेसी रखिए कि किसी के घर की बेल मत बजाइए आप, अनटिल एंड अनलेस आप बता के नहीं आ रहे हैं, आपने इंस्टाग्राम पर पोक नहीं किया है, आपने या तो आपको रिप्लाई मिला हो इंस्टाग्राम पे कि हाँ मैं मिलूंगा आप आ जाइए, तब हम लोग नहीं मिले हो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है यार। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट माय दिस वे ऑफ थिंकिंग, एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोग ऐसे बेल्स बजा के नहीं भागेंगे, और बेल्स बजा के हमें भी नहीं अच्छा लगता यार, लोग दो दो तीन तीन घंटे खड़े थे और हम कभी चाहते भी नहीं है कि लोग ऐसे खड़े हो। ठीक है, आपका प्यार है, रिस्पेक्ट है, आप कमेंट्स में दीजिए, हम कमेंट्स में लेते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं आप लोगों को, तो उतना ही काफ़ी है हम लोगों के लिए, आपको स्पेशली आगे प्यार जताने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए प्यार दिल से होता है, जताने से नहीं होता है। वेदर तो एक्चुअली गाड़ी घुमाने वाला हो रहा है, मस्त वेदर हो रहा है, सीरियसली मस्त वेदर, इतना मज़ा आ गया देख। हाँ जी ललिता जी, जी नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैंने इसको आज बोल दिया कि ये फेमस हो रही है, ये इज्जत भी दे रही है आप लोगों को खुद से। तो
आज मैंने इसको बोल दिया कि ललिता तू तो बड़ी फेमस हो रही है तो ये और एनर्जेटिक हो गई है, तो आप जल्दी से कमेंट्स में बोल दे क्या करना होता है। कमेंट शेयर और क्या बोल रहे, हमेशा सबसे मेन चीज भूल जाती है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। सब्सक्राइब इतनी हंसी आ रही, तू बोलिए जरा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बोलियो, लाइक हाँ ये देखो जल्दी जल्दी बावली बुझ जाए दोनों की दोनों। माँ निकाल के बाहर, माँ आई है उसकी कोई चिंता नहीं है, सब ठीक है। कर ले पहले लंका को प्यारी कर ले, तू पहले लंका को प्यारी कर ले, जा कर ले इसको प्यारी कर ले पहले। हो गया दोनों का भरत मिला, ऐसे लगते दो चार महीनों से बिछड़े हुए थे, और हर रोज हमारे घर में यही एक्टिविटी होती है। हाय हाय, एप्पल खा लोगी ना? हाँ। फेंकोगी नहीं ना? हाँ। पक्का? प्रॉमिस? हाँ। हाय, ये सारे कहाँ से आ गए? आप स्कूल नहीं जाते? जाती है। आज क्यों नहीं गए फिर? नहीं गई, ये नहीं जाते। क्यों नहीं जाती? ये छोटी है ना इसके लिए। अच्छा आप बड़े हो, आप बड़े हो क्या? बाय बाय, खा लेना एप्पल, फेंकना नहीं। चिची बाय बाय। कह रही है गाय की रोटी खा जाएगी? नहीं खाऊंगी, ये तो रोटी है ना। बोल रही है मैं कभी कभी गाय की रोटी खा जाती हूँ जब कोई अच्छी रोटी देते हैं। कुछ कुछ देते हैं चढ़ेगा न लाए गाय को खिला कभी कभी गुड़ डाल के देते, वीडियो बना के छोड़ के दियो मुझे, दियो गाय को खिलाई है जी। बदमाश बच्ची है। और ये पता है क्या करती थी ये, कि वो उसको पैर दबाने के लिए बोलता था बचपन में, तो उनके ऊपर चींटियां छोड़ देती थी। सॉरी ललिता दीदी, जितनी शरीफ दिखती है। ये कौन सी जगह है बैठने की? तू इसका एकदम मतलब खाने की पोस्चर देखो जरा इस लड़की का, ये देखना। The next day. So, अभी जस्ट ललिता दीदी को ड्रॉप किया है, हम जा रहे हैं ऑफिस, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। कल व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि बहुत सारा काम था ऑफिस का, लेट हो गया था एंड बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई, और शूट कर भी लेती तो एडिट बिल्कुल नहीं कर पाती, तो इसलिए कल व्लॉग नहीं आया था। आज हम जाएंगे शाम को अपना फिटबिट देखने और रिपेयर के लिए देने। सो अभी चलते हैं ऑफिस, देखते हैं ऑफिस से कितनी जल्दी फ्री हो जाते हैं। हैरी चलो नीचे, ऑफिस में कोई काम नहीं तुम्हारा। लैपटॉप पे काम नहीं करना, चल नीचे। हैरी चलो, हैरी नीचे चलो, हैरी डांट पड़ जाएगी प्रशांत सर से, चल नीचे चल। मेरे ऑफिस क्यों गया, ऑफिस क्यों गया मेरे? ऑफिस क्यों गया मेरे? बदतमीज लड़के, मेरे को नौकरी से निकाल देंगे सर तेरे चक्कर में। बाहर रहो अब, ठीक है? मैं जा रही हूँ, बाय। अब नहीं आना ऑफिस के अंदर, नहीं जाना है, ठीक है? क्यों हो रही बंदड़ी, क्यों हो रही? सो आई एम हैविंग अ मीटिंग, और वो है साइबर सिटी में, तो अभी फटाफट हम जा रहे हैं साइबर सिटी। फाइनली हम पहुंच गए अपनी मीटिंग के लिए साइबर पार्क, और बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड रोड है। आई थिंक ऑफिस आवर्स खत्म हुए हैं, बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा होगा आप लोगों को पीछे, तो फटाफट मीटिंग अटेंड करते हैं और फिर घर के लिए चलते हैं। देखते हैं फिटबिट का पॉसिबिलिटी होगी तो दिखाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे संडे को दिखाएंगे। ऑलरेडी वेरी टायर्ड यार।
ऐसी जगह पे आके तो क्या ही ऑफिस की मीटिंग करने का मन करेगा, खाने का ही कुछ मन करेगा। पहले मीटिंग अटेंड करते फिर खाने। और डिस्प्ले सो फाइनली डन विद द मीटिंग, अब चलते हैं घर। काफ़ी लेट हो गया, ऑलमोस्ट 6:30-7 बज गए मीटिंग करते करते, तो फटाफट घर के लिए निकलते हैं एंड फिर देखते हैं क्या प्लान है। पापा का कुछ प्लान है तो वैसे मेरा डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो देखते हैं अगर डोसा खाने चलेंगे पापा तो डोसा खाने चलते हैं। थम जा सॉरी। As usual, nothing new. मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके भूल गई हूँ, अब देखते हैं कहाँ गाड़ी खड़ी करी है मैंने। So, finally, हम आ गए अपनी गाड़ी के पास। मीटिंग के चक्कर में ना आज मेरी गाड़ी गुम हो जाती कसम से। सो फाइनली आफ्टर 30 मिनट्स मुझे मेरी गाड़ी मिल गई है। आई लव यू बेबी। इस पर्ची के चक्कर में तो मुझे गाड़ी मिल गई, तो आज मुझे गाड़ी नहीं मिलती। पिछले 25 मिनट से गाड़ी ढूंढ रही हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा। ये लो, थैंक यू। जा सकती हूँ मैं? बिल्कुल मैम। शुक्रिया, थैंक यू भैया। वेलकम मैम। कि मैं गाड़ी ले गई थी, फिर से ना मांगने आऊँ। कोई नहीं, ओके। देख रहे हो पूरा 33 मिनट रास्ता दिखा रहा है इस पार्किंग के चक्कर में, कितना लेट हो गया मुझे। माय गॉड, इस टाइम यहाँ पे ट्रैफिक है क्या है? शिट, एक कॉल आया, मैंने गलत टर्न लिया और मेरे 15 मिनट्स वेस्ट। शिट हो गया, शिट। गूगल ने मुझे दूसरा रास्ता दिखाया, शॉर्टकट दिखाया, और ये देखो क्या हो गया, यहाँ पे आके कहाँ फंस गई मैं। भरोसे लायक ही नहीं होती कभी कभी गूगल मैप तो ना, सीरियसली। कभी मैं गलती कर देती हूँ, कभी गूगल मैप गलती कर देती है, बट ज़्यादा गलती हमेशा गूगल मैप। सोच भी नहीं सकते ऐसे चलाने का जैसे इसको चलाना चाहिए। ये देख, हेलो सेनोरिटा, चले अंदर चल के मिल ले छोटंकू। और कौन होगा? जस्ट रीच होम, घर आते आते ऑलमोस्ट 7:30-8 बज गए हैं, तो अभी जस्ट खाना वाना बनाते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। गुड नाइट।